गुड़िया, वेलकम टू ठक्कर फैमिली। घर के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? हिमल तू पूछ ही मत। अरे आगे की प्लानिंग करने में इतना कंफ्यूजन हो रहा था ना। हरी आप, अभी गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल जाएगा। आजा आजा गुड़िया, आजा आजा आजा। रवि भाई, हाँ अभी बताएंगे सब लोग कहाँ हैं? सब लोग मतलब हम पांचों को छोड़ के बाकी सब लोग ना? गुड़िया प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। रवि भाई बताइए ना कहाँ हैं सब लोग? तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छी तरह से हो जाए और कोई तकलीफ ना हो, इसलिए बाने तुम लोगों को बताने से मना किया था। क्या? सब लोग हॉस्पिटल में हैं। मीनाक्षी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी तो इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उसे हॉस्पिटल ले गए। मैं धीरे से ही बोलने वाला था, एकदम धीरे से। मैंने ना पूरी हॉस्पिटल में चेक किया, सब रूम में भी चेक किया, लेकिन माताजी किधर भी नहीं है। ये इनके साथ कौन है? मैं हूँ, वो मेरा बेटा है। लो, आपकी माताजी यहाँ बैठी है और आप हमें परेशान कर रहे हैं। ये माताजी नहीं, इसने क्या किया डॉक्टर साहब? अस्पताल के सभी वार्ड्स में घुसकर आपको ढूंढ रहे थे और पूछ रहे थे, माताजी को देखा? माताजी को देखा? ये तो आईसीयू में भी घुस रहे थे। ये तो अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, नहीं तो। माफ करना मेरा बच्चा जरा। अरे तो फिर ऐसे बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं लाया कीजिए, घर में ही रखा कीजिए ना। लेकिन बच्चे हॉस्पिटल में ही आते, मीनाक्षी भाभी का बच्चा भी। डॉक्टर साहब आप जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। चल बैठ जा, बैठ जा यहाँ। चलिए ये लीजिए माला, हम मीनाक्षी भाभी और उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और ये माला जपते हैं। माला मतलब? गुड़िया आप, तुम्हें क्या लगता है माला मतलब हम लोग माला सीना समझेंगे और उसे गोल गोल घुमाएंगे? गुड़िया तुम कभी। हिमल सुके कूल क्यों चिढ़ता है? तो और क्या करूं मैं, ऐसी सिचुएशन में भी ये मतलब वो मतलब। ऐसी सिचुएशन में भी उसने मीनाक्षी और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करने को कहा, ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? हम में से किसी को ये सूझा कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें? किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है जो आसानी से बदला नहीं जा सकता। अब हर किसी का स्वभाव तुषार जैसा तो नहीं होता है ना तुषार? अब कल की ही बात देख लो, हम माला जपते हैं। हाँ सुबोध, क्या हुआ? ऑपरेशन चल रहा है प्रवीण भाई, वैसे सिजेरियन तो 20 मिनट में ही खत्म हो जाता है लेकिन मीनाक्षी को। तू टेंशन क्यों ले रहा है सुबोध? हर्षद और शिल्पा भाभी है ना तेरे साथ? प्रवीण भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हर्षद भाई कह रहे थे कि बच्चा चूंकि 8 महीने में ही आ रहा है तो रिस्क है। सुबोध तेरी मीनाक्षी पक्की भक्त है माता जी की, उसे कुछ नहीं होगा और बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। हाँ और कुछ काम हो तो फोन करना, ठीक है? ठीक है, हाँ जय श्री कृष्ण। हर्षद यू हैव टू हरी अप, द ब्लड प्रेशर इज ड्रॉपिंग,
जल्दी स्कैल्पल दे दीजिए। उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है हर्षद। The baby is not crying. उसकी सांस ही नहीं निकल रही। Come on, get the ventilator. Wait, शिल्पा, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा 10 सेकंड तक नहीं रोता है। अगर 10 सेकंड तक नहीं रोया, then we'll call for the ventilator. Wait for 10 seconds. सुबोध, लक्ष्मी आई है। हाँ बोल सुबोध। क्या लक्ष्मी आई है? लक्ष्मी जी, अस्पताल में नाम भी रख लिया लक्ष्मी। ओहो गुड़िया, तेरी जिंदगी आराम हो गई है ना। तो फिर आप क्लियर क्यों नहीं करते प्रवीण भाई? ऐसे बोलिए ना कि बाबी जी को लक्ष्मी हुई है, ऐसे। गुड़िया गुड़िया, फिर समझ में आएगा ना जी। चुप चुप चुप, छोड़ो उसे। चलो हॉस्पिटल जाने की तैयारी करें। लक्ष्मी मैं आती हूँ, और तब तक मैं जलेबी का ऑर्डर देकर यार, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। चलो जल्दी, मैं मदद करती हूँ जी। नहीं कट्टू काका, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, माता जी इधर ही है, इसलिए तो मीनाक्षी भाभी की तबीयत अच्छी हो गई,
और इसलिए तो बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन अब सब अच्छा हो गया है ना? हाँ तो अच्छा हुआ है ना, वो माता जी की वजह से हुआ है, उनको वेलकम तो बोलना पड़ेगा ना। चक्रम, मैं माता जी को ढूंढ के आता हूँ। अरे गट्टू काका, अगर आप दोबारा आईसीयू में जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको फिर से डांटेंगे। नहीं नहीं, आईसीयू में नहीं, मुझको मालूम है माता जी कहाँ पे होगी। मीनाक्षी भाभी को जिस कमरे में लेके गए थे ना, उधर ही होगी माता जी। मैं जरा मिल के आता हूँ। नहीं नहीं गट्टू, हेलो। अरे बहुत टेंशन हो गया था इसलिए हम लोग भाग गए। गुड न्यूज़ दो, एक सेकंड भाई, इधर आ जाइए। और हमेशा की तरह ये लीला भी यहाँ सामने करिए। माता जी यार इधर भी नहीं है माता जी। गट्टू काका, बाहर प्रवीण काका और चारू भाई लापसी लेके आए, जल्दी आइए। जल्दी आइए गट्टू काका। लापसी? हाँ जल्दी चलो। माता जी कौन है उधर? वेलकम माता जी, वेलकम। आपने ऐसा ऐसा पहना है ना तो भी पहचान लिया मैंने आपको। देखा, मुझको मालूम था आप इधर ही होंगे। वेलकम माता जी, बहुत वेलकम। देखिए देख, माँ ने कितना बढ़िया सजाया है ये तेरा कमरा। कृष्ण विला का सबसे शानदार कमरा है ये। तू देखेगा ना तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ लेकिन देखने तो दीजिए, पट्टी तो हटाइए। एक मिनट, पहले वादा कर कि कमरा देखने के बाद महीने के 15,000 रुपए देना शुरू कर देगा तू। प्रॉमिस बस। हाँ तो ले ये देख कमरा। चलो। 1, 2, 3 स्टार्ट। ओरी जोड़ी पीपल पान फैये पाड़ियो। फैये पाड़ियो दिशा नाम। दिशा।
पीपर पान पाइए पाड़ियो दिशा नाम दिशा मस्त नाम रखा बेबी हेमर भाई कह रहे थे तुम्हारी बहन की बेटी बहुत खुशी की बात है जी कोर्ट में हम केस जीत गए हैं अब मेरी भांजी की कस्टडी मुझे मिल गई है मम्मी पापा बस 3-4 दिन में उसे यहाँ ले आएंगे अच्छा 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 तो क्या सोचा उसके बारे में अब शादी के बाद वो तो मेरे साथ ही रहेगी ना जी मैं ना बोलूं तो प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को